हाय मैं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं मेरे पास एक ओप्पो का A54 मॉडल है और ये मीडिया टेक का है। इसके अंदर दो BQ लगी है, इसका दो BQ का सर्किट हमें समझना है। हेलो सिंगल BQ सब समझते हैं, हम डबल BQ का सर्किट समझेंगे। कौन समझेगा? आज हमने बैटरी कनेक्टर की क्लास की। कैसी लगी आप लोग? अच्छी लगी होता एडवांस लगी कि बेसिक लगी? YouTube में मिल सकता है क्या? कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल सकता है क्या? जिसके बाद में एक्सपीरियंस नहीं है, जो बेसिकली टेक्नीशियन से टीचर बना उसके पास मिल सकता है क्या? कम फीस में मिल सकता है क्या? हेलो ऑनलाइन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अब हम इसको देखते हैं, इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये चार्ज, ये फोन ऑन हो रहा है, हम इसको ऑन करेंगे। जैसे हम इसको चार्ज पर लगा रहे हैं, ये चार्जिंग इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इसको यहाँ पे समझाता, बट आज हमारा ये काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं है, हम यहाँ पे समझाते हैं। मीडिया टेक के अंदर बोलो, जब चार्जिंग इंडिकेट ना हो तो सिर्फ दो सप्लाई चेक करनी है, भले कौन कोई सा भी हो। हेलो आ जाओ अदर, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको साफ करो। चलो देखो, पहले मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो सर, अपन इसमें है वो सर्किट को डायरेक्टली जाएंगे, समझ रहे हो? अगर ये किसी और के पास जाता, मैं 102% आपको बताता कि ये सर्किट के अंदर 8% BQ को भी चेंज, चार्जिंग IC सीधे खुल देता, क्योंकि उसको चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है बराबर। और अगर वो नॉलेज नहीं रखता तो उसको तो लगता सिर्फ चार्जिंग IC का गेम है। किसका गेम है? पर मैं मीडिया टेक में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, MTK में अगर चार्जिंग डिडक्ट ना हो, बोलो तो दो सर्किट बनता है इसके। कितने सर्किट? और ये जो दूसरा सर्किट है, ये अभी तक यूट्यूब की पहली हिस्ट्री है जो हम वीडियो डाल रहे हैं। हेलो, अभी तक जितने भी चाचाओं ने, जितने भी लोगों ने इंस्टीट्यूट में वीडियो डाले हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में या फलानी दिखानी दुनिया की तीसरी जगह पे, तो एक इसका डाला है VCDT, बोलो VCDT, वोल्टेज कंट्रोल डिडक्शन ट्रिगर, बोलो वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन ट्रिगर, बोलो वेरियस नाम, सब तरह के नाम है। VCDT की लाइन पर वोल्टेज कितने बनते हैं? VCDT की लाइन अगर नहीं बनी तो चार्ज डिटेक्ट होगा नहीं, कोई। और ये मीडिया टेक में कंपलसरी लाइन है। हेलो OG 5G 6G कोई मैटर करता नहीं है, दिस लाइन मीडिया टेक का फोन बनेगा नहीं। एंड द सेकेंड थिंग, हमारा कौन सा लाइन आज जो पढ़ा हमने, हेलो बैड आईडी, बोलो इफ योर बैड आईडी इज लीकेज या सही रीडिंग नहीं है या कनेक्टेड नहीं है जो भी है, तो भी आपका चार्जिंग डिटेक्ट होगा नहीं। अभी जान दो तो सर क्या करें, कौन से में जाए? सर दोनों चेक करें? नहीं, एक ही चेक करना है। तो कैसे पता चलेगा दोनों चेक करनी करना है, एक चेक करना है? चार्जर लगाओ, बोलो चार्जर लगाओ। ये जो एम्पियर मीटर होता है ना, दिखाओ जरा साइड सर, एमडी सर एम्पियर मीटर दिखाओ, ये देखो सब लोग वहां देखो, ये जो एम्पियर मीटर होता है, हेलो yes, ये चार्जिंग डिडक्शन एम्पियर मीटर है जो चार्जिंग के एम्पियर को डिडक्ट करता है। हेलो yes, इस एम्पियर मीटर में हम फोन को लगाएंगे अगर, बोलो तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेच, कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम CPU किया, हमने 4G CPU किया, आज से पहले क्या हम 4G CPU पे काम कर पा रहे थे? एम्पियर कितना है ये तो हम किस लाइन को चेक करेंगे? और अगर एम्पियर, बोलो अगर एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, समझ रहे मेरी बात? तो पहले अपन इतना चेक करते हैं, आओ तो सब लोग देखो फोन कहाँ है वो, दो चार्जर दो जरा Type-C। दो सब लोग, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख रहा, पहले तो ये एम्पियर बताना, एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये करके ले रहा है। ठीक है, 1 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट
अब देखते हैं चार्जिंग डिटेक्शन पॉइंट, चार्जिंग डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, नहीं। चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग एक एम्पीयर पे लेगा, इवन स्टोर भी होगा, पर आइडेंटिफिकेशन नहीं, नहीं होगा। हेलो यस सर, अब यहाँ पर नोटिस करो, कोई डिडक्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। अब ध्यान दो, अब मैं वापस चार्जर निकालूंगा, अब तुम निकाल के लगाओ, और तुम मैं ना महसूस भी करो कि चार्जिंग लग रहा है या हो रहा है नहीं हो रहा है। निकालो, लगाओ, हाँ पकड़े हो मोबाइल को, ये देखो, अभी देखो, अभी भी फोन को पकड़ो, ये देखो फोन फिर से, और लगा फोन को पकड़े रहना, करो निकालो, अब फोन को पकड़े रहना, एक बार बीम किया सर, वाइब्रेट हो रहा है, मतलब चार्जिंग डिटेक्शन नहीं हो रहा है। हेलो यस सर, तो अब मुझे बताओ इस फोन के अंदर हम चार्जिंग आईसी उतार दें? नो सर। सीपीयू रिबॉल कर दें? नो सर। सब बोर्ड चेक कर रहे हैं? नो सर। सीसी बदल दें? नो सर। नहीं, क्या करें जल्दी बताओ? बैट आईडी, चलो अगर हम बैट आईडी चेक करेंगे तो एक बेसिक स्टूडेंट जो बोर्नियो देखकर या यूट्यूब देखकर पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही चीज देखेंगे, सर जी आर तो आ रहे हैं। हेलो yes, देखो बैट आईडी, सबसे पहले अपन देखते हैं ये ओप्पो का A54 है, अब इसके अंदर बैट आईडी कौन सा है, तो अपन उसके लिए हार्डवेयर सोल्यूशन का फायदा उठाएंगे। तो ओप्पो का A54 हम देखेंगे, A54 यहाँ पर देखो, A54 यहाँ पर किधर है, A54 ये है, याद है हार्डवेयर सोल्यूशन खोला, चार्जर डाटा खोला, अब हम क्या करते हैं, वेरी गुड, अब हम क्या करें, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बैट ऑन, मतलब उन्होंने एक बैट ऑन तो दे दी है, बैट आईडी नहीं दी है। अगर मान लो खराब होगी भी तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इसका कोई डायग्राम भी नहीं है, तो आप देखो तो या तो डायग्राम ही नहीं है, और बिटमैप पे भी मेन बिटमैप का बिटमैप नहीं है, सबका है, तो ना बिटमैप है ना डायग्राम है, तो हमें ढूंढना भी है, तो मतलब ले देके इसमें बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, सर्किट में पता होना चाहिए और पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस को कहते हैं, किसको कहते हैं, हाँ एक्सपीरियंस ये नहीं कहते कि सर मेरे को अभी इतने फोन आए नहीं, अरे फोन नहीं आने होते, जो है उनको ट्रेस करके नॉलेज उठाना होता है। हेलो यस सर, तो पहले अपन चेक करते हैं जी आर आ रहा है कि नहीं, नोटिस करो वो तो बता रहे हैं कि है ही नहीं लाइन, हम देखते हैं कि उसके बगल में लाइन होनी चाहिए, तो जी आर में डालेंगे सर, अब ये वाला लाइन है थर्म का लाइन है, तो ये तो जी आर दे रहा है। हेलो यस सर, और ये लाइन पे भी देखो तो यहां पर अगर हम नोटिस करेंगे तो यहां पर हमारे को ओपन आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, मतलब जी आर नहीं आ रहा। हेलो यस सर, जी आर नहीं आ रहा है, तो ये जी आर आना चाहिए ना यहाँ पर भाई, yes, तो इसका मतलब है कि अब इस लाइन को ट्रेस करना है, बट इस लाइन को कैसे ट्रेस करें कि भाई फॉल्ट हमें मिल गया, हमारे जी आर नहीं आ रहा है, ये लाइन कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर थर्मिस्टर का लाइन दिखा रहे हैं, मतलब थर्मिस्टर बैट ऑन का लाइन दिखा रहे हैं, पर हमारा लाइन ही दिखा रहे हैं, तो हमको हमारे पास दो ट्रेसिंग है। हेलो yes, एक 3 सेकंड वाली हमने अभी सीखी है yes, और एक हमारी नॉर्मल yes, हम नॉर्मल देखेंगे है ना yes, 3 सेकंड वाली तो आपको जाकर करनी है। हेलो yes, किस किस को 3 सेकंड वाली पसंद आई बताओ, घुमाओ जरा, घुमाओ सर, चलो अब अपन ट्रेसिंग तो करना है साथ, अब इसके साथ अपन यहाँ चार्जर भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चार्जर, और देखते हैं कि वोल्टेज कितने बन रहे हैं। यस सर, समझ रहे मेरी बात, यस सर, तो हमने चार्जर लगा है, वोल्टेज पर डालो, जूम आउट,
तो यहाँ हमारे आ रहे हैं 1.1 और यहाँ आ रहे हैं 1.1। हेलो yes, अब देखने वाली बात यह है कि दोनों पर ही वोल्टेज आ रहे हैं। हेलो yes, जबकि उस पर क्या आ रहा है OL. तो इसका मतलब ये है कि लाइन तो कनेक्टेड है साहब। हेलो लाइन कनेक्टेड है पर कहीं ना कहीं हमारे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। हेलो अब हम आईडी की लाइन को ट्रेस करेंगे। आईडी की लाइन पर हमें रजिस्टर चाहिए और यहाँ पर क्योंकि एक लाइन पे हमें 1000 के ऊपर जीआर मिला है। ये सर्किट कौन सा बना रहा है? वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब पुल अप मेरा ओके है। हेलो पुल अप मेरा ओके। अब हमें किस रजिस्टर को ढूंढना है? सेंस रजिस्टर, मतलब सबसे पहला रजिस्टर। बोलो और ये रजिस्टर आप ध्यान देना आईडी की लाइन पर। बोलो साइंस रजिस्टर 50K से ऊपर होता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का होता नहीं है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का चला गया या ये लो वैल्यू का हो गया तो ये रजिस्टर काम नहीं करेगा क्योंकि हमको यहाँ पर क्या आ रहा है फिलहाल वो है। तो अब हम ये रजिस्टर को चेक करेंगे कि भाई रजिस्टर का क्या सीन है नहीं है। अगर नहीं होता तो वोल्टेज भी नहीं आता। हेलो पर रजिस्टर है, वोल्टेज तो आ रहा है ना सर। आओ देखें तो अपन ट्रेस करते हैं। पहले तो विदाउट स्कीमेटिक हमें ट्रेस करना पड़ेगा। वी हैव टू फाउंड आवर रजिस्टर। तो ट्रेसिंग के लिए बोर्ड को बाहर निकालेंगे। और वो दो केन दो छोटा वाला जंपर वाला, एक जंपर उठाएंगे यहां पर लगाएंगे। डायग्राम वायग्राम कुछ भी नहीं है। अब बाजार देखेंगे। अब ना देना ये चीज मैं YouTube में वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जिस भी सेट में बोलो जिस भी सेट में ज्यादातर सिम कनेक्टर के नीचे जो ये एरिया होता है ना इसी एरिया में आपके आईडी और थर्म के रजिस्टर होते हैं। हेलो तो पहले आपको इसी एरिया में देखना है आफ्टर आपके बैटरी कनेक्टर के आसपास के रजिस्टर के बाद। तो हम इस एरिया में ही सारे अब हर रजिस्टर को टिक करेंगे। जिस पर बीप आएगा वो हमारा रजिस्टर होगा बराबर। लाइन पूरी ओपन नहीं है, पूरी ओपन होती तो कहीं बीप नहीं आएगा। क्यों नहीं भी ओपन है? क्योंकि वोल्टेज आ रहे थे, समझ रहे हो? अगर पूरी ओपन होती बोलो तो हमको रिवर्स ट्रेसिंग करनी पड़ती। क्या रिवर्स ट्रेसिंग? सीपीयू उतार कर या तो फिर हमको कोई सेम बोर्ड चाहिए होता। हेलो बिटमैप है नहीं क्योंकि कुछ है नहीं है, सेम बोर्ड चाहिए होता। तो ध्यान दो, तो अब हम एक चिरा यहाँ रखेंगे हमारे कनेक्टर के पतरे पर और एक यहाँ पर और जितने भी रजिस्टर है सबको टच करेंगे ईमानदारी के साथ। टाइम लगेगा पर चलेगा। ग्राउंड के साथ बीप नहीं है। ये मिला हमको yes, तो ये कैसे धुर रहा है ये समझ में आया yes, किस किस को आया समझ में बताइए yes, आप लोग सब ढूंढ सकते हैं लोग yes, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में कौन कौन ढूंढेगा मतलब yes, यहाँ थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है yes, क्योंकि 98% में फीस तो कम ले लेते हैं और उसी कम चक्कर में पढ़ाते ही उतना ही है। हेलो उनको थ्योरी थोड़ी बस सर्किट बता दिया लिखकर बता दिया ये और बुढ़ियों से ऊपर का नॉलेज है नहीं। तो अब हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे इसका क्या वैल्यू है। ये पहला रजिस्टर। अच्छा सबसे पहले हमें देखना है ये रजिस्टर पैरेलल है कि सीरीज है। सो ध्यान दो
तो पहले हम देखेंगे पैलर है या सीरीज है, सीरीज है, और ये हमारा नीचे देखो फिर से देख लो पैलर है कि सीरीज है। एक एक और मैंने ग्राउंड लगाया, यहाँ बीप नहीं है, यहाँ बीप नहीं है। अब इस रजिस्टर के साथ देखेंगे और कोई रजिस्टर तो कनेक्टेड नहीं है, ये एनसी पॉइंट कनेक्टेड है फिलहाल, यहाँ तो कोई भी दूसरा रजिस्टर नहीं है। पुलअप होगा भी तो आगे होगा कहीं, हेलो उसको भी ढूंढ सकते हैं ना हम लोग। अब हमें पुलअप ढूंढने के लिए यहाँ से ट्रेस करना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। अभी हम इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। तो अब इसकी ओप्पो में याद करो मैंने आपको वैल्यू बताई थी एक, हेलो, और अभी ओप्पो के अंदर वो वैल्यू अभी हम बोलेंगे नहीं यूट्यूब में, बट हम पहले देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू है 30K का, नहीं 230K का, हेलो, मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का ये तो। और 100K के ऊपर यार सीरीज में होते नहीं है। ओप्पो के सेटों में बोलो, ओप्पो के सेटों में MDK में 5K का रजिस्टर होता है। ये मैंने कैसे, मुझे कैसे पता चला साहब, मैंने MDK के और 10 मोबाइल को ट्रेस किया हुआ है बराबर, जितने भी MTK के A83 है जो भी है मेरे पास पड़े होते हैं, मैं उनको ट्रेस करता हूं और देखता हूं। तो एक चीज मैंने फाइंड की है कि अधिकतर MTK के ओप्पो के डिवाइस में मुझे सीरीज में 5K का ही मिला है। तो ये मेरा एक नॉलेज बन गया कि अब मुझे 5K का लगाना है, क्या लगाना है। या मैं दूसरा तरीका और बताऊं सर, मैं अपनी CPU को पढ़ लिया है, किसको पढ़ लिया मैंने, अब इस CPU के अंदर ये जो CPU है 6765AB, इस CPU का दूसरा डायग्राम उठाया तो मैंने पाया Oppo के अंदर ही, MediaTek के अंदर नहीं, Xiaomi के अंदर नहीं, कि Oppo के अंदर यही CPU 5K में लगा है, हेलो, यस सर, क्योंकि जो ये CPU की रिक्वायरमेंट है वही तो देंगे, यस सर, कुछ अलग तो देंगे नहीं, और हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए इससे भी कहीं और ऊपर कोई नॉलेज है। तो हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर को निकाल देते हैं और एक दूसरा रजिस्टर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे को रिजल्ट मिलता है। ऑलरेडी पीसीबी में काम है यहाँ पर, तो यहाँ जम्पर डम्पर मारा, आईसी का काम किया, इसलिए यहाँ पर थिनर दिख रहा है, पेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक जम्पर मारा हुआ है और ये एक मॉसफेट को बाईपास किया है। ये चार्जिंग आईसी का काम है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पर यहाँ कॉम्पोनेंट लगा सकते हैं, अगर आप चार्जिंग आईसी बिठा सकते हैं, तो ये इस वजह से यहाँ पर काम किया हुआ है, इसलिए वचा पाचा नहीं है, तो जैसा है वैसा खुला खाला है, सब खोला खाला फोन है। तो अपन को फिलहाल ही रजिस्टर पे काम करना है, तो रजिस्टर निकालते हैं। अब एक रजिस्टर लगाते हैं यहां पर, एक 5K के लगभग वैल्यू का, अगर ये पैड नहीं बनाएंगे तो कंपोनेंट बैठेगा नहीं, बैठ कंपोनेंट को पूरा पैड चाहिए, नहीं तो कंपोनेंट क्या हीट ले लेके बोर्ड निपट जाएगा, फूल जाएगा वो, तो इसलिए कंपोनेंट लगाओ, पैड बनाओ पहले सही तरीके से। अभी पैड बनाने के लिए पीपीटी 138 का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 भी पीपीटी डाल देते हैं, कोई सीन नहीं है। 2138 का 2000 पेस्ट वो बेस वो दो ना इंजेक्शन, ठीक है लग गया। और ऐसे में क्या होता है, ये देखो ये फैलता है ना यहाँ पर, ठीक है अब साफ करना पड़ेगा, ब्रश दे भाई। एक RL आता है RL 405, सब परचेज करना, आपको बताएंगे MD से बताएंगे अभी नहीं, अभी 5 तारीख वो RL 405 एक ट्यूब आता है, वो ट्यूब हम सबको चाहिए, वो कॉम्पोनेंट लगाने का ट्यूब है, ये मान लो कॉम्पोनेंट 1 सेकंड में लगता है उससे, अगर वो परचेस करोगे तो पेस्ट वाजी नहीं करनी पड़ेगी, ये गंदा गंदगी नहीं होगी जो दिख रही है।
और ये वाला ब्रश यूज पर करना है आप समझ में। ये इंस्टीट्यूट में ये एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि 20 सुबह के ब्रश से ये रिपेयरिंग करना सीखो, पर उसने खुद जिंदगी में कभी रिपेयर कुछ भी नहीं किया। हेलो yes, हाँ वो एक बिजनेसमैन है कोट पहनने वाला, बात समझ रहे हो। yes, दिन वो एक सेट बनाएगा तब समझ में आ जाएगा कि इससे कभी साफ होता नहीं है। यू नीड हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश चाहिए आपको, बुझे। ठीक है, कोई सी भी एक पीसीबी में से एक वैल्यूएबल रजिस्टर खोजेंगे, लगभग 5K का आ रहा हूं। ये जीरो है, जीरो ओम्स, कॉम्पोनेंट को आयरन से नहीं उतारना है, नहीं तो कॉम्पोनेंट खराब हो जाएगा, या तो उसका ये जो प्लेट है ये ढीला हो जाएगा, या तो ये लीकेज हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो आईएसपी के दौरान जनरली लोग जंपर मारने के चक्कर में अपने फोन को ऑटो पोर्ट में ला देते हैं और फिर क्लॉक को रजिस्टर को जंपर मारते हैं। तो ले लेके मैं ये कहता हूँ कि मत करो। अगर यहाँ पर मान लो जीआर आता भी तो भी रजिस्टर बदलते। मैं आपको यूट्यूब में ये भी बताना चाहता हूँ, आईडी और टेम्परेचर की लाइन पे जीआर आने को सही नहीं बोलते हैं। आईडी मैंने आपको जैसे बताया कि आखिरी छोर पे जीआर आना चाहिए। हेलो हाँ, और रजिस्टर अगर टेम्परेचर दे रहा है, वैल्यू अगर फॉल्ट दे रहा है, तो समझो कि रजिस्टर सही होने पर भी खराब होते हैं, तो रजिस्टर को चेंज करना ही करना है। हेलो रजिस्टर को चेंज करना ही करना है। मैं आपको इतनी पोस्टर दिखा दूंगा अपने ग्रुपों की जिसके अंदर वैल्यू आने पर भी रजिस्टर सिर्फ चेंज की। मेरे को हमेशा एक जवाब आता है, सर ये दोनों रजिस्टर्ड ओके है, मैंने फिर भी चेंज कर और देख रिजल्ट, देख वो अपने आप ही रिजल्ट आ जाता है उनके हाथ में। तो ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, कुछ भी नहीं है, पर चेंज करो बस। फैन मिल गया हमें आज किस्मत से। ये फैन मत खरीदना, ये फैन बिल्कुल नल्ला नल्ला प्रो फैन है, पैसा बर्बाद है ये फैन। तो ये फैन में आरपीएम देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इसकी स्पीड जीरो है। इस फैन के अलावा एक फैन आता है एमसी 18 फैन आता है, उसके अंदर यूवी ग्लू भी रहता है, टू इन वन है वो, उसका फैन की आवाज़ बाहर तक जाती है, उसकी स्पीड है। एक स्टूडेंट मेरे से बोलता है जेट फैन है वो, पर अब मुझे देखा नहीं क्या टेक्नोलॉजी से बना है, पर वो फैन यूज़ करना है। ये तो मेरे को नहीं लगता कुछ ठंडा करेगा कभी, हवा इसमें हवा ही नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठंडा होना चाहिए। और जो जितने भी अभी बता रहा हूँ जो शेर खान लोग हैं हमारे इंडिया के, जो बता रहे हैं कि अभी क्विक की आई है नहीं 861 प्रो, या जितने भी जो 26-20 हज़ार की SMD है, मेरे पास 3 है 20 हज़ार के ऊपर की SMD, और उनके अंदर एक फंक्शन आ रहा है जिसके अंदर कूल का आ रहा है। क्या फंक्शन है? कूल। अभी कूल का बटन दबाएंगे तो ये 200 पर ये आपका जो एयर है टेम्परेचर जीरो हो जाता है, एयर 200 तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? 200 तक, ये 120 है। तो वो एयर, वो मैं आपको बता दूं, उस एयर को पहले नॉर्मल आने में ही 5-10 सेकंड लग जाते हैं। हेलो, उसकी टेम्परेचर ऑलरेडी वो हीट होता है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वो एकदम कोई मतलब का नहीं है, सेंसलेस है, सेंसलेस। अलग से थोड़ी आता, उसी से आता है, उसी से आता है वो, ऑलरेडी कॉइल हीट है तुम्हारी। हाँ, वो पहले उसको ठंडा करोगे तब तक तो बोर्ड ही ठंडा हो जाना है, भूख लो वैसे ही। ठीक है, अब हम पहले जीआर चेक करेंगे। अच्छा,
ये जम्पर लगाना जरूरी है, नहीं तो कैसा होगा, हमारा चार्जिंग एनेबल नहीं होगा। तो भैया जिसने भी मारा है जम्पर, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, जम्पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अभी अपन को क्या करना, अपन को जम्पर देना खाली। अब अपन को बस ये देख लेना है कि आपस में कहीं पे कनेक्ट तो नहीं है अभी फिलहाल के लिए, फिर यूवी ब्लू डाल के उसको ओके किया जा सकता है। हालांकि ये जम्पर को ताड़ के सही जम्पर लगाना है, दो तारे आपस में एक ही तार होना चाहिए। अब इसको बजट मोड पे करो साहब, देखो बजट मोड में। ये देखेंगे रही, अब जी आ देखेंगे इसका। फॉल्ट कनेक्टर को रिसोल्ड करने से हो जाते हैं, कनेक्टर बहुत ढीला होता है और इस वजह से भी टेम्परेचर और बैटरी का फॉल्ट जाता है। सो कनेक्टर को बिल्कुल टच करके देखो, हिलाओ, कहीं से भी लग रहा है ढीला है बिल्कुल रिवोल्व करो, चेंज कर दो उसको, बदल दो कनेक्टर, चेंज रिवोल्व क्या ही होगा, चेंज ही हो जाएगा। अलग ये कनेक्टर निकल के वापस लग जाते हैं, पर नीचे से कनेक्ट ही नहीं होते तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो हमें जी आर मिल रहा है, हेलो यस सर। अब यहाँ पे भी हमें जी आर मिल रहा है और यहाँ पर भी हमको जी आर मिल रहा है। अब हम इसको फिर से फाइनल चेक करेंगे, हमारा चार्जिंग डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ध्यान देना, मीडिया देखा है चार्जिंग डिटेक्शन नहीं हो रहा था, पर अगर कोई नॉर्मल होता तो VCDT लाइन चेक करता रहता, डिवाइडर सर्किट ढूंढता रहता। ये लगाया और ये हो गया, यहाँ पर चार्जिंग डिटेक्शन पॉइंट हो रहा है हमारा, और 2 एम्पियर भी ये हो जाएगा। इस 2 एम्पियर को करने के लिए हम चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे। हेलो यस सर, ये चीज किस किस को समझ में आई? हम सबको। तो सही जगह निशाना मारा, सही जगह काम किया तो ये रिजल्ट मिला, यस सर। नहीं तो इस बोर्ड को फूल फाल देते अब तक तो। हेलो यस सर, चार्जिंग आईसी 2 बार उतारते, सीपीयू को रीहीट लग जाती एक जगह, फिर बोर्ड दबा कर आते ये रीडिंग। हेलो यस सर, ऐसा करने करेंगे क्या? नहीं, सही तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट सही तरीके से मिलेगा। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, मुझे बताओ आज बैटरी आईडी की क्लास, जबकि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा था, फिर भी कैसी मिली आप लोगों को? एक रुपए भी कमी कम मिला? 4, 5, 6 बोलो 4, 5, 6 ये क्या है? बैटरी कनेक्टर सिक्वेंस, बैटरी कनेक्टर। जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कल किस किसने सीपीयू रिवॉल्व सीपीयू निकाल के लगा के लाइव बनाया? सच बताओ। यस सर, ये तो बहुत टफ काम था यार। हेलो यस सर, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कल एमडी सर का जन्मदिन होते हुए, यस सर, तो नॉर्मल आदमी छुट्टी लेकर चला जाता, यस सर, बीवी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता, बराबर, यस सर। पूरा सुबह से रात तक कितने बजे से कितने बजे तक थे आपके साथ? इनविटेशन बोलो। 10 बजे से 10:30 बजे तक रात, रात के 10:30 बजे तक। एक बार भी कहीं ऐसा लगा कि वो बीच में 1-2 घंटे के लिए घर गए? बर्थडे बनाने की कभी बातें की है? बर्थडे का जिक्र आने दिया? ये होता है द मैन हिमसेल्फ एमडी पर जोरदार ताली बजाओ। तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बैच। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया, हमने 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे? अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे, तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे? ओनली 2 लोगों के पास थे। इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी थे? आ गया माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था? अभी क्या पोजिशन है?
अभी क्या पोजीशन है? अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है। कल हमारा क्या था? चौथा दिन था। और तीसरे दिन क्या किया हमने? एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर, तो पावर किस किसने लगाई? हम सबने लगाई। और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू, तो कल सीपीयू किस किसने लगाया? सबने लगाया। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से, एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया है। जी, जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और MD सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ में जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, MD सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया आपने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से